गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे जी खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में आए और खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में आए तो उनकी अगुवाई यहाँ के जो अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना और चेयरमैन ने खुद की। किस मुद्दे को लेकर जो डीएम साहब थे आए थे, खुद चेयरमैन साहब हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि किन किन मुद्दों पर डीएम साहब को खोड़ा नगर पालिका की तरफ से चेयरमैन साहब की या अधिशासी अधिकारी की तरफ से अवगत कराया गया। मैम, कल चेयर डीएम साहब आए थे, किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, किस लिए डीएम साहब खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र आए थे? देखिए कि डीएम सर, ये हमारे कुछ 10 वार्ड थे जो कोरोना मुक्त थे और उन वार्डों को उनका दौरा रहा कि, और उनका फोकस यही रहा कि जब इन वार्डों में अभी तक कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं निकला है तो ज़्यादातर इन पे ध्यान दिया जाए। और दूसरा कि पूरे खोड़ा की जानकारी लेनी चाहिए उन्होंने कि कितनी वैक्सीनेशन हो रही है, कितने लोग चेकअप करवा रहे हैं, कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की जानकारी हमने उन्हें दी। और पूरे खोड़ा में हमने डीएम साहब को अपने साथ में उनका दौरा कराया। आपने एक लेटर लिखा था, मैंने कुछ दिन पहले भी देखा कि आपने एक औचक दौरा किया था वैक्सीनेशन सेंटर का, हालांकि उस दौरान मैं यहाँ पर नहीं था तो मैं उस कवरेज में नहीं आ पाया। आपने एक औचक दौरा किया, निरीक्षण किया, दो वैक्सीनेशन सेंटर जो एक साधन इनक्लेव में है, एक दूसरा बना हुआ है खोड़ा गाँव के अंदर, आपको उसमें कुछ कमी लगी और आपने एक लेटर लिखा कि हमें एक वैक्सीनेशन सेंटर और खोड़ा के अंदर बनाना चाहिए, तो वो कौन से क्षेत्र की आपने बात की? और मैं देख रहा था विजुअल के अंदर कि आप बात भी कर रहे थे और आपने अवगत भी कराया था। जी, मैं जब खोड़ा गांव वाले सेंटर पे गई थी तो वहाँ कम से कम 200-250 लोगों की भीड़ थी और वहाँ पर धूप आने की वजह से लोग छाँव में जाने के लिए एक दूसरे से मतलब करीब आ रहे थे। तो उसमें मैंने देखा कि भई यहाँ पर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकला तो यहाँ लोगों को बहुत परेशानी आने वाली है। तो फिर उसमें मैंने वहाँ पर जाके टेंट की व्यवस्था कराई और पानी नहीं था तो पानी की व्यवस्था भी कराई, जिसमें कि मैं जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, पानी तो रेगुलर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर एक टैंकर वहाँ रेगुलर खड़ा कर दिया नगर पालिका का। और अंदर जाके जो सेंटर चला रहे थे उन सभी डॉक्टरों से बात हुई मेरी, उनका कहना ये था कि क्या नाम है, यहाँ 200 से 300 तक डेली वैक्सीनेशन हो रही है। हाँ जी, तो फिर उसका मुझे लगा कि लोग यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है और मुझे नहीं लगता कि ये कम से कम 4-5 बजे तक भी ये लोग कवर कर पाएंगे इन लोगों को। तो मैंने तुरंत ही उसके लिए लेटर बना के डीएम साहब को दिया। और इस एक इंदिरा विहार में अपने यहीं पर ही एक जगह है, काफ़ी उसमें मतलब लोग बड़े तरीके से उसमें बहुत स्पेस है और उसमें बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन हो सकती है, तो मैंने उनसे इस चीज़ की मांग रखी थी। तो डीएम साहब की तरफ से कुछ रिस्पॉन्ड आया क्या? जी, मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी हम आपकी तरफ इंदिरा विहार की तरफ वैक्सीनेशन सेंटर खुलवा देंगे और मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ पे उनका अच्छा फोकस रहेगा।